हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहां पर डिलीट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने हमारी जो पिछली वीडियोस थी जिसमें हमने यहां पर देखा था एडिशन के जितने भी हमारे पास थे, लाइक इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, तो हमारे ये एडिशन का जो फंक्शन था ये हमारे सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे डिलीशन के जो फंक्शन है वो, और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला वाला फंक्शन जो कि हमारे पास है डिलीट एट बिगिनिंग। ओके, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट जो नोड होती है उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर ये लिंक लिस्ट है, जो हमारा हेड पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को इस तरीके से, और ये हमारे इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। हमको जब भी फर्स्ट नोड को डिलीट करना होता है तो हम यहाँ पर डिलीट करते हैं इस वाली नोड को, क्योंकि ये हमारी जस्ट हेड जो है जिसको भी पॉइंट करता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट नोड। तो हमको यहाँ पर डिलीट करना है इस वाली नोड को, ठीक है। इस वाली नोड को हमको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट करना है। अब हम किस तरीके से यहाँ पर डिलीट करते हैं, देखो हम क्या करते थे, जैसे ही हम यहाँ पर एक न्यू नोड बनाते थे जब भी, तो हमारे पास न्यू नोड में क्या होता था, हम यहाँ पर हमारा आता था आइटम, ठीक है, और इस वाले पार्ट में हमारा आता था यहाँ पर नल। जब भी हम इसको, जो हमारा नल यहाँ पर है, ठीक है, नल की जगह पर हम किसी भी नोड का एड्रेस देते थे, लाइक हम यहाँ पर 100 है, हम यहाँ पर 100 जब कर देते थे तो हमारे ये जो न्यू नोड है ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाता था, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पर 100 है, हम इस 100 की जगह वापस से यहाँ पर अगर नल कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो लिंक है ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो हमको सिंपली यही करना है कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है, लाइक यहाँ पर 100 है, तो इस 100 की जगह पर हमको यहाँ पर करना है नल, ठीक है। देन ये जो लिंक है हमारा यहाँ से इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हेड है उसको कनेक्ट करना है इससे। अब हम किस तरीके से ये कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले हमारा जो हेड है, लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ हमारा फंक्शन जो कि हमारे पास बनेगा यहाँ पर डिलीशन एट हमारा यहाँ पर बिगिनिंग, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो हमारे पास जो हेड है वो पहले से यहाँ पर नल है, मतलब ये पहले से एम्प्टी है, तो हम इसके अंदर से कोई भी यहाँ पर नोड को डिलीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ अगर जो हमारा हेड है वो इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर मैसेज एक प्रिंट करा देंगे एम्प्टी वाला, ठीक है। यहाँ पर हम करा देंगे एम्प्टी मैसेज प्रिंट, ठीक है। इसके बाद ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा एल्स वाली कंडीशन आती है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर देखो हेड जो है वो नल नहीं है हमारा, मतलब जो हेड है ओके वो हमारा यहाँ पर नल नहीं है, मतलब ये हमारे पास एक नोड यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइक ये हमारे देखो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास है नल और यहाँ पर लाइक 28 हमारा डेटा है, इसका एड्रेस है 100 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 100, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर क्या करेगा, बेसिकली पॉइंटर भी हमारे इसी नोड को यहाँ पर पॉइंट करेगा, तो हम यहाँ पर एक लेंगे पॉइंटर पॉइंटर और इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड। जैसे हमने ये लाइन लिखी हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंटर बना जो हमारा पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा हेड है, ठीक है, जो हमारा हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पॉइंटर का नेक्स्ट, ठीक है। पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, देखो पॉइंटर ये है हमारा पॉइंटर है, इस नोड को एक यहाँ पर क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है, और पॉइंट इस नोड का नेक्स्ट क्या है, तो इसका नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पॉइंटर का नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी इससे क्या हुआ, हमारा जो भी पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा जाएगा हेड के अंदर, तो इस टाइम पर हमारे पास पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या हमारे पास यहाँ पर नल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ से चला जाएगा, और ये नोड हमारा, देखो नोड तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ वापस, तो हमारा जो नोड है वो तो हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फ्री कर देंगे, जो PTR है इसको हम फ्री कर देंगे, इससे क्या होगा ये जो लिंक बना है ओके ये जो हमारा लिंक है ये भी हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमको यही करना है,
सिंपली अब सपोज करो हमारे पास इसके अंदर दो नोड है, ओके तो हम यहाँ पर बनाते हैं हमारे पास हेड, ओके ये हमारे पास है फर्स्ट नोड और ये हमारे पास है यहाँ पर सेकंड नोड, इसका एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है यहाँ पर 200, ठीक है ये हमारे इस तरीके से कनेक्ट है, यहाँ पर एड्रेस है 100, ठीक है यहाँ पर 200, डेटा है 2 एंड देन 3, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है और जो पॉइंटर है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को। हमने क्या किया, हेड जो है उसके अंदर हमने यहाँ पर किया पॉइंटर का नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखो पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट है 200, तो 200 क्या है, 200 इस वाले नोड का एड्रेस है, तो हम क्या करेंगे जो हेड वाला जो ये लिंक है ठीक है इसको हम यहाँ से हटाएंगे एंड देन ये हमारा कनेक्ट होगा, लाइक हम यहाँ से ले लेते हैं ये हमारा कनेक्ट होगा इस वाले नोड से इस तरीके से, ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जो पॉइंटर जो है ठीक है इसको हम यहाँ पर कर देंगे फ्री, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम फ्री करते हैं इस तरीके से फ्री एंड देन पॉइंटर, अरे इससे क्या होता है हमारे ये जो नोड होता है ये हमारा पूरा यहाँ पर डिलीट हो जाता है, ठीक है तो हम जैसे हम यहाँ पर ये वाली लाइन हमने लिखी फ्री पॉइंटर तो हमारा ये नोड यहाँ से पूरा डिलीट हो गया, इसका जो लिंक पार्ट था सारा यहाँ हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है अब देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाली नोड थी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास नल, ओके तो हमने यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट किया है और हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे लाइक नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है हम यहाँ पर हमने ये मैसेज प्रिंट करा दिया, तो हम इस तरीके से एक नोड को एक सिंगल क्लिक से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और जो नोड होगा हमारा वो होगा यहाँ पर फर्स्ट नोड, तो हम क्या करते हैं हम सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं एंड हम वीएस कोड में चलते हैं, तो हमारा यहाँ पर हम बनाते हैं लाइक यहाँ पर हम बनाते हैं ठीक है, और इसके लिए हम सबसे पहले हमारा यहाँ पर केस फोर बनाते हैं, सो हम यहाँ पर करेंगे केस फोर एंड यहाँ पर हम करेंगे डिलीशन डिलीशन एट बिगिनिंग, ये हमारे यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा जिसको हम यहाँ पर सिंपली कॉल करेंगे, ठीक है हम इसको कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पर देखो हमारा फोर्थ वाला जो वो है डिलीशन एट बिगिनिंग, ओके हम यहाँ पर इसको बनाते हैं तो void एंड हमारा फंक्शन का नेम एंड ये हमारा बन गया फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या करना था यहाँ पर हमको करना है चेक करना इफ जो हमारा हेड है वो हमारा नल है क्या, ठीक है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर जो हमारा हेड है वो हमारा इक्वल होता है नल के तो हम सिंपली एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है ये यह हमारा यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद अगर हमारा ये एम्प्टी नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास या तो नोड के जो हमारा लिंक लिस्ट है उसके अंदर एट लिस्ट हमारे पास एक नोड तो उसके अंदर है, ठीक है हम यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन चलाते हैं देन हम यहाँ पर करेंगे तो PTR है उसके अंदर यहाँ पर हेड लेंगे, ठीक है हमने यहाँ पर क्या किया पॉइंटर बनाया जिसके अंदर हमने असाइन किया हेड को जिससे कि हमारा जो पॉइंटर जो है वो भी हमारा उसी नोड को यहाँ पर पॉइंट करे जिसको हेड यहाँ पर पॉइंट कर रखा है, तो PTR को हमने यहाँ पर बनाया तो हम क्या करते हैं PTR को यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देते हैं सो स्ट्रक्ट नोड एंड PTR, ठीक है ये हमारा यहाँ पर होगा। देन इसके बाद हमको क्या करना है जो हेड जो है उसके अंदर हमको करना PTR का नेक्स्ट यहाँ पर असाइन, तो हमारे पास जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं PTR का नेक्स्ट, ओके जिससे क्या होगा हमारा यहाँ पर हेड पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड को यहाँ पर क्या करेगा पॉइंट करेगा एंड देन हम सिंपली इसके बाद यहाँ पर फ्री कर देंगे हमारे PTR को इस तरीके से, ठीक है हमने यहाँ पर कर दिया फ्री कर दिया PTR को। देन उसके बाद हम एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं तो प्रिंट एफ एंड यहाँ पर मैसेज कर देते हैं हम सिंपली नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है हमारा ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया एंड हमारा देखो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया डिलीशन एट बिगिनिंग एंड आई थिंक हमारा इस फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, ओके तो हम इसको रन करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ नोड यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो हमने डेटा लिया यहाँ पर 25 एंड वापस करते हैं 23 एंड 24,
इसको डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 24, 23 एंड 25, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखो बनाते हैं वापस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तीन नोड इस तरीके से, यहाँ पर सेकेंड नोड एंड देन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर थर्ड नोड, ठीक है। लाइक इसका एड्रेस हम ले लेते हैं, यहाँ पर 100 है, 200 एंड देन 300, यहाँ पर आएगा 200, यहाँ पर आएगा 300 एंड यहाँ पर हमारे पास है नल, ठीक है। जो हेड है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से इसको पॉइंट कर रहा है, और हेड के पास जो एड्रेस है वो यहाँ पर है 100, ठीक है। इसका जो डेटा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 24, 23, 25। तो 24, 23 एंड देन 25, ये हमारे इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमको डिलीट करना है इस वाली नोड को, तो हम यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारा जो हमारे पास है 4, ठीक है। हम 4 प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 4, एंड जैसे हमने 4 प्रेस किया हमारे पास मैसेज आ रहा है नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको डिस्प्ले भी कराते हैं कि हमारे पास जो नोड था वो डिलीट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 7, एंड यहाँ पर देखो 24 जो था वो फर्स्ट में था, अब यहाँ पर 24 हमारे पास नहीं है, मतलब वो डिलीट हो चुका है। अब देखो डिलीट किस तरीके से हुआ, जो हेड जो था उसके अंदर हमने एड्रेस दिया पीटीआर का, नेक्स्ट जो पॉइंटर था वो भी हमारा यहीं पर इस नोड को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर पीटीआर का जो नेक्स्ट है मतलब जो 200 है हमने पास किया हेड के अंदर, तो यहाँ पर एड्रेस आएगा 200, और ये जो यहाँ पर लिंक है ये हमारा कनेक्ट होगा नेक्स्ट वाले नोड से इस तरीके से, ठीक है। और देन हम जब हमने यहाँ पर फ्री किया पीटीआर को, तो हमारे पास ये नोड यहाँ पर डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये नोड यहाँ से चला जाएगा, देन वापस हमने लाइक हमारे पास ये इतना यहाँ पर लिंक लिस्ट अभी बचा हुआ, ठीक है। वापस से हम इसको डिलीट करते हैं, तो वापस से हम 4 प्रेस करते हैं, देन डिस्प्ले कराते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 25, मतलब हमारे पास से जो 23 जो नोड है वो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो वापस से हमने क्या किया, हमने पीटीआर को यहाँ पर इस नोड से यहाँ पर पॉइंट कराया, देन जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है मतलब जो 300 है वो हमने पास किया यहाँ पर हेड के अंदर अंदर, ठीक है। एंड देन ये जो लिंक है ये हमारा कनेक्ट होगा इस वाली नोड से, ठीक है। एंड देन जैसे हमने फ्री किया पीटीआर को, तो हमारा ये पूरा नोड यहाँ से डिलीट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वापस से हम इसको डिलीट कराते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपली 4 प्रेस करते हैं, हमारा यहाँ से फिर से डिलीट हो गया, ठीक है। तो 25 वो डिलीट हो गया, इसको डिस्प्ले कराते हैं, तो हमारे पास मैसेज आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास लास्ट यहाँ पर नोड था 25 जिसको भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो हम यहाँ पर हमने क्या किया, पीटीआर फिर से हमने यहाँ पर लिया, पीटीआर हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इस नोड को, एंड पीटीआर को जो नेक्स्ट है मतलब जो नल है वो हमने पास किया यहाँ पर हेड के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नल, ठीक है। तो जो हेड है वो हमारा पॉइंट कर रहा है, किसी भी नोड को यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा है, और जैसे हमने फ्री किया पीटीआर को, तो हमारे पास ये नोड भी यहाँ पर डिलीट हो गया, ठीक है। एंड देन हम जब वापस से इसको डिस्प्ले कराए, तो हमारे पास मैसेज आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक ये हमारा जो इसको एग्जिट करते हैं सबसे पहले, एंड हमारा जो फंक्शन है डिलीट एट द बिगिनिंग, ओके, ये हमारा हेल्प कर रहा है एक सिंगल लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को डिलीट करने में, ओके। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।